यही पकड़ी जा रही है कि कुल सीटों की संख्या 1,21,000 था, तो आपने नियुक्ति 96,823 बच्चों को क्यों दिया। और ये याद रखिएगा, 1,21,000 में 96,823 जो लड़कों की भर्ती हुई, टोटल सीट खाली रह गया 24,177 सीटों यहां पे खाली रह गई। कितना? 24,177 सीट खाली रह गई बीपीएससी TRE.0 में। यहां पूरी इतनी सीटों पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। अब ये देखिए, जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत अंतरराष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट, आज ये वीडियो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि भाषा अर्हता को लेके गए हुए हैं कोर्ट में, और उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक हैं उनके संबंधित क्या मुख्यमंत्री साहब ने कहा, क्या इसका अर्थ रहा, कैसे भर्ती प्रक्रियाएं होंगी, क्या चीजें रही। कल आप भी जानते हैं कि कल नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा गया, पूरे बिहार के जो शिक्षक भर्ती हुए कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था, कितने वैकेंसी थी, और ये सारे काम आएंगे अब कोर्ट में। और खुद नीतीश सर का बयान है, और मुख्यमंत्री गलत बयान नहीं दे सकता है, ये कोर्ट इनसे इस पे वाद विवाद भी कर सकेगा और हम लोग की जीत तय है 100%। आप मान के चलिए कि भाषा विवाद के चक्कर में 100% जीत तय है, लेकिन यहाँ पे हमारे वकील साहब लोग को थोड़ा और तेजी करना चाहिए कि इस पे रोक लगवाना, इस भर्ती को रोक लगवाना बहुत अधिक जरूरी है। अभी तक इस्टे नहीं ले पाए, और बिहार में तत्काल, यूपी में इस पे तत्काल इस्टे मिल जाता है और भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है, अभी तक वहाँ इस्टे भी नहीं मिल पाया। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारा दारोमदार वकील साहब के हाथों में है, वकील साहब क्या करना चाहेंगे। और आप ये चीज याद रखिए, जो चीजें मैं आप तक सूचनाएं भेजता हूं, अदर जो है यूट्यूब चैनल वो बना के भेजते हैं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि मेरा पैसा कमाना कोई जरिया नहीं है, बस मेरी बातें आप तक, आप सभी शिक्षकों तक कैसे पहुंचेगी वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पूरा क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कितने नियुक्ति हुई, कितने क्या हुई, सारी प्रक्रिया ए टू जेड है। सबसे पहले हम लोग बता दें बीपीएससी TRE 2.0 भर्ती प्रक्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कल नियुक्ति प्रमाण पत्र बटा है पटना गांधी मैदान में। आपको बता दें कुल शिक्षक पद इसमें जो ये वैकेंसी थी 2.0 की, कुल शिक्षक पद था 1,21,000। ये नीतीश सर ने बताया, आप सुनते चलिएगा, 1,21,000 जो पद था वो टोटल पद था, और बीपीएससी को रिजल्ट कितने पे जारी करना था, 1,21,000 पे पूरा बीपीएससी को रिजल्ट जारी करना था, लेकिन उसने जारी कितना किया है, कुल नियुक्ति प्राप्त पद जो थे, जितनों ने नियुक्ति प्राप्त किया मतलब उतना ही रिजल्ट जारी हुआ, 96,823 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला। यानी यही धोखेबाजी और यही धांधली सबके सामने नजर आ गई है कि 1,21,000 पर रिजल्ट जारी करना था, लेकिन यहाँ पे 96,823 पदों पे ही केवल मात्र यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ है, जिससे कि सबसे बड़ी धांधली सामने नजर आ रही है। और इसके साथ साथ परसेंटेज इतने हाई बीपीएससी ने क्यों दिखाया, ये सारी इसमें धांधलियां पकड़ में आ रही है। अब इससे बच के नीतीश सर कहां जाएंगे, और चाहे बीपीएससी कहां भाग पाएगी अब हमसे बता दे, या शिक्षा विभाग कहां भाग पाएगा। आज जो मैंने नोट्स किया ये आप लोग के भी काम आएगा, ये सारे सबूत अभी हमारे यहाँ बिहार में जब हम लोग कोर्ट चलेंगे वहां पे भी ये सारे काम आने वाले हैं। दूसरा चीज इन्होंने बताया, देखिए मैं सब मुख्यमंत्री साहब के बातों को नोट किया और वही चीज पढ़ा रहा हूं एकदम साफ, महिला अभ्यर्थियों की कुल इस भर्ती प्रक्रिया में यानी 96,823 में कुल परसेंटेज महिला अभ्यर्थियों की 51% महिला भर्ती हुई है, 51% महिला भर्ती हुई है, लेकिन वो बहनें जिन्होंने मेहनत किया था और हिंदी मान्यता शून्य हो जाने के कारण वो भर्ती नहीं हो पाई, उनके जगह ये 51% फर्जीवाड़ी लड़कियां हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया है। इसमें 20-30% ही बहुत अधिक 20% सही रिजल्ट होगा, बाकी ये सब धोखेबाजी से, जो कि भाषा अर्हता में पूरी तरीके से फेल लड़कियां हैं, जो बहनों को यहां होना चाहिए था आज वो बहनें घर पे हैं, और जो इनको घर पे होना चाहिए था वो यहां पे है। तो इंडिया विख्यात कैसे होगा, अपना नाम कैसे करेगा, इंडिया में मेडल कैसे आएगा, इंडिया ऊंचे लेवल पे कैसे जाएगा। जिनको याद रहिएगा, जिनको शिक्षा देना है वो घर में रोटी बना रही है, वो आज शिक्षा देने के लिए चली आई है। योग्यता पैदा करो, पहले शिक्षक बनने के लिए योग्यता बहुत अधिक जरूरी है। उसके बाद दूसरा,
अदर स्टेट पे आ जाते हैं, अदर स्टेट अभ्यर्थी जो इसमें भर्ती हुए थे टोटल 15% भर्ती हुए हैं, याद रखिएगा टोटल अदर स्टेट महिला पुरुष मिला के 15% भर्ती हुए हैं, इससे अधिक नहीं हुआ। कुल बिहार के जो अभ्यर्थी थे वो 85% भर्ती हुए। महाराज ये पहले क्लियर कर लो, ये 96,000 में है, आप 121,000 में 85% नहीं दिखा रहे हो, पूरा क्यों नहीं करेक्ट बोलते हो। इसमें 85% लड़के भर्ती हुए हैं। कुल पार्टिसिपेट अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे जो भर्ती होने आए थे बिहार से लेके अदर स्टेट से 800,000 लड़कों के साथ इन्होंने धोखा किया है। 800,000 लड़कों ने यहाँ पेपर देने बैठे थे और ये 800,000 लड़कों के साथ धोखा है और इस पे जांच होनी चाहिए। नीतीश सर अब आप जांच नहीं करेंगे तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार सबके सामने आ चुका है और ये भ्रष्टाचार खुलना चाहिए। मुख्यमंत्री का जमानी है और मुख्यमंत्री की जमानी आज हम बता रहे हैं कि 800,000 अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें एक चीज और है नियोजित शिक्षक के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट देखते चलिए। कुल नियोजित शिक्षक जो है बिहार में 3,68,000 है, कितने हैं 3,68,000। और कुल नियोजित शिक्षक जो भर्ती हुए पिछले में 2.0 वाले में तो नियोजित शिक्षकों को जगह नहीं दिया गया, फर्स्ट वाले में नियोजित शिक्षक को जगह दिया गया, तो कितने भर्ती हुए 29,000 मात्र यहां पास हो पाए और मेरिट लिस्ट में आए और वो भर्ती हो पाए। ये नियोजित शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मात्र 29,000 ही कैंडिडेट भर्ती हुए हैं, टोटल है 3,68,000। अब नीतीश सरकार अपने आप को बचने के लिए क्या कह रही है कि समान परीक्षा के माध्यम से ये बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं इनको लिया जाएगा। ये आप रिकॉर्ड कर लें, आपके जीवन के लिए बहुत महत्व रहेगा। आप मुख्यमंत्री के पास चाहे न्यायालय में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नियोजित शिक्षक के लिए भी 100% याद रखिएगा, ये नियोजित शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बड़ी न्यूज है। और ये याद रखिएगा 121,000 में 96,823 जो लड़कों की भर्ती हुई, टोटल सीट खाली रह गया 24,177 सीटों यहां पे खाली रह गई। कितना 24,177 सीट खाली रह गई बीपीएससी टीआरई 2.0 में। यहां पूरी इतनी सीटों पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। अब ये देखिए 24,177 ये प्लस इसमें से जो सीटें नहीं भरेंगी वो सब मिला के सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। इसकी हल्की भरी महक आपके मुख्यमंत्री साहब ने कल दिया कि मुख्यमंत्री साहब ने कल कहा कि इस पे भी भर्तियां होंगी, लेकिन ये नहीं बताए कि ये 24,177 सीट खाली है तो वो कहां जाएंगे, अब प्लस में इसमें जो बचेंगे बच्चे वो कहां जाएंगे। इन सब पे ही सभी सीटों पे रिजल्ट जारी होना अति आवश्यक था और ये धांधली साफ साफ नजर आ रहा है सबके सामने कि ये धांधली हुआ है। और बिहार में इतना बड़ा धोखा युवाओं के साथ आज तक नहीं देखा गया। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि टोटल हमने 1,00,000 वैकेंसी का वादा किया था और जिसमें 5,00,000 वैकेंसी इन्होंने फुलफिल कर दिया। उन्होंने बताया है कि पिछली अभी जो 1.0 की जो भर्ती हुई 1,20,000 की इन्होंने भर्ती दिया, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या 1,20,000 लड़कों को नियुक्ति मिली थी कि नहीं मिली थी, क्योंकि धोखेबाजी यही पकड़ी जा रही है कि कुल सीटों की संख्या 1,21,000 था तो आपने नियुक्ति 96,823 बच्चों को क्यों दिया और 24,177 सीटों को खाली क्यों छोड़ दिया। आखिर इन पे रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुए। जो आज मेरे भाई घर पे परेशान है, उनके घर से ताना मिल रहा है, रिश्तेदारियों से ताना मिल रहा है, हर जगह तड़प रहे, जिनकी एज खत्म होने वाली थी उनके साथ आपने धोखा किया। ये 24,177 सीटों को क्यों नहीं इसके साथ जोड़ा गया, क्यों धोखेबाजी किया गया। आज बिहार सरकार के सामने कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। आए बिहार सरकार, मेरे को जिस मंच पर बुलाए हम वहां बसबाजी के लिए तैयार हूं, उसके बाद मेरे को जेल भेज देगा, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं शिक्षकों के लिए। जितनी बड़ी धोखेबाजी आज बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों के साथ किया है, ऐसी धांधली पूरे इंडिया में अभी तक नहीं देखी गई कि 24,177 सीट किसके लिए बचाया गया, ये बिहार सरकार बताएगी हमको। आखिर इतना हाई परसेंटेज दिखा के आज बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा किया है। उसके बाद भाषा अर्हता को जीरो करके धोखा किया है। हिंदी का पेपर आप उर्दू वाले से हल कराते हैं, बंगला वाले से हल कराते हैं,
क्या आपको मैं कह दूं कि आप हिंदी से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश का पेपर हल करिए तो कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये धोखेबाजी आप सभी शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये नीतीश सर की जुबानी है और नीतीश सर तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि आपने जो स्टेज पे खड़े होकर जो पढ़ के बोल दिया वो ये चीजें थी, और आपने धोखा दिया है बिहार के पूरे युवा को, बिहार के साथ साथ 8 लाख जो युवा बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर्ती में बैठे हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, उन 8 लाख लड़कों के साथ धोखा है और इसकी बकायदा जांच होनी चाहिए। आप लोगों को भी मांग करना होगा हमारे साथ साथ। ये मैं प्रूफ आपको देते चल रहा हूं, अभी भी आप लोग नहीं जगेंगे, अभी भी शेयर नहीं करेंगे तो घर में रहिए। जब आप लोग को भी डर नहीं है कि आपके जीवन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, आप लोग भी जाइए नाच गाने वीडियो पर देखिए और मरिए। मैं लड़ता रहूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए चाहे नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं आप लोग को भी लड़ना है तो आज ही वीडियो शेयर करिए और बताइए दुनिया को कि आपके साथ और बिहार के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हो रहा है, धोखेबाजी हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।